अब खास सवाल यह है कि जब हम हैस लॉ को एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के टर्म्स में लगाने जाएंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है, और उसी हैस लॉ को जब हम फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखने जाएंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है। ऐसा इसलिए बिकॉज जरा बड़े ध्यान से देखो, व्हेन वी डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो जिसका हम फॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं वह प्रोडक्ट साइड में अपीयर होता है। जैसे जब हमने इथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करा था तो वहां पर फॉर्मेशन रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट साइड अपीयर हुआ था। जरा देखिए, हमने इथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करा है और उस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल अपीयर्ड ऑन प्रोडक्ट साइड, व्हाइल व्हेन वी डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन तो जिसका हम कंबस्टन डिफाइन कर रहे हैं दैट अपीयर ऑन रिएक्टेंट साइड। हमने इथाइल अल्कोहल का भी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन भी डिफाइन करा है। जब हम इथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन डिफाइन कर रहे हैं तो वह इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट साइड आ रहा है। इसलिए जब हैस लॉ से हम यह इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे तो कंबस्टन के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा और फॉर्मेशन के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा। कैसे आएगा इसी समय मैं समझाता हूं, मैं हैस लॉ से इस बात को ऑब्टेन करके दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्मेशन के टर्म्स में बताता हूं, मैं बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करूंगा। 6 कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट प्लस 3 हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूलर स्टेट गिव्स यू C6H6 इन लिक्विड स्टेट। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजन के लिए हमें कोई फॉर्मेशन रिएक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन प्योर और मॉलिक्यूलर स्टेट में है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। अब साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखता हूं, साइक्लोहेक्सेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखूंगा, 6 कार्बन इन सॉलिड एंड ग्रेफाइट स्टेट प्लस 6 हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट gives you C6H12 in liquid state and this is enthalpy of formation of C6H12। Now Hess law says that reactions may be added or subtracted algebraically। मैं इन reactions को subtract करूं, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। नाउ माय एम इज समहाउ लेट्स ट्राई टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन, हम इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से ऐड या सब्सट्रैक्ट करें जिससे कि हमें यह इक्वेशन मिल जाए, इस इक्वेशन को हम ऑब्टेन करना चाहते हैं। देखिए, साइक्लोहेक्सेन प्रोडक्ट साइड है, बेंजीन रिएक्टेंट साइड है, इन दोनों इक्वेशन से यह ऑब्टेन करने के लिए मुझे इन्हें ऐड करना चाहिए या सब्सट्रैक्ट करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन से यह ऑब्टेन सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट किसको किससे करूं, 1-2 या 2-1? 2-1। 2-1 यदि मैं करूंगा, सेकेंड इक्वेशन माइनस
फर्स्ट इक्वेशन यदि मैं करूंगा तो मुझे यह डिजायर्ड इक्वेशन कैसे मिलेगी, 2-1 जब मैं करूंगा तो यह 6 कार्बन जो सॉलिड और ग्रेफाइट स्टेट में है बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन -3 हाइड्रोजन, तो इधर 3 हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। This minus this C6H12 लिक्विड स्टेट में माइनस बेंजीन, अब बेंजीन जो है माइनस में दिख रहा है उसको इधर लाकर मैं प्लस में लिख दूंगा C6H6। इस तरह से मुझे यह दिस माइनस दिस करने से यह इक्वेशन मिल गई। नाउ हेस लॉ सेज दैट इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ सेकेंड रिएक्शन माइनस एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6, या फिर हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने इस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखना सीखा, जिसमें हमने यह देखा कि एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के टर्म्स में भी लिखना सीखते हैं। हम हेस लॉ अप्लाई करेंगे और हेस लॉ के द्वारा हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी को दोबारा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के टर्म्स में लिखेंगे। पहले यह लिख लीजिए अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के टर्म्स में लिखने के लिए मैं सबसे पहले इस रिएक्शन में इन्वॉल्व सभी रिएजेंट का कंबस्शन फिनोमेना के लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखता हूं। सबसे पहले पहली रिएक्शन बेंजीन के लिए C6H इसका कंबस्शन फिनोमेना ऑक्सीजन के साथ इन ऑर्डर टू गिव यू 6CO2 इन गैसियस स्टेट प्लस CH2O इन लिक्विड स्टेट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ और इधर मैं लिखूंगा 15/2, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। देखिए मैंने कैसे लिखा है, C6H6 लिक्विड स्टेट में प्लस O2, ध्यान रहे प्लस O2 गैस लिखा, मैंने O2 का कोएफिशिएंट इनिशियली नहीं डाला था क्योंकि मुझे नहीं पता था कितने ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे, मैंने O2 का कोएफिशिएंट लिखने के बजाय उसके लिए एक स्पेस छोड़ दी थी, जगह छोड़ दी थी। मैं रिएक्शन को पहले कंप्लीट करूंगा, फिर कंप्लीट करने के बाद यह देखूंगा कि मुझे कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी के अनुसार मैं बाद में ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट हमेशा डालता हूं। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन का फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, 6 कार्बन है तो 6CO2। मैंने देखा 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है वाटर, 6 हाइड्रोजन एटम के लिए CH2O। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन को सबसे पहले मैंने बैलेंस कर लिया, कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर मैंने देखा कि प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन अपीयर हो रहे हैं, मुझे कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 6 × 2 12 ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ में है, 3 ऑक्सीजन एटम वाटर के साथ में है, वी हैव गॉट इन ऑल 15 ऑक्सीजन एटम, इधर मैंने लिख दिया 15/2 O2।
इस तरह से मैंने बेंजीन की कंबस्शन रिएक्शन लिखा, कंप्लीट करा, बैलेंस करा, प्रॉपर थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखी, बेंजीन लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर और गैसियस स्टेट में, CO2 गैसियस स्टेट में, H2O लिक्विड स्टेट में। इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसे हमने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। अब हाइड्रोजन, यह एक दूसरा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए भी मैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिख देता हूं। इसके लिए सेकेंड रिएक्शन लिख रहा हूं, H2 विच इज अ गैस प्लस O2 विच शुड बी ऑल्सो इन गैसियस स्टेट शुड गिव यू H2O इन लिक्विड स्टेट। हाफ O2 होना चाहिए इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। दिस वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रहे इस रिएक्शन की एंथैल्पी के दो नाम दिए जा सकते हैं, हम इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं और हम इसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। दोनों के ही लिए सेम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख दी जाएगी। अब साइक्लोहेक्सेन के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन है C6H12 लिक्विड स्टेट, ऑक्सीजन O2। अब ध्यान रहे इधर वंस अगेन मैं ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट अभी नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता है इस समय कि कितने ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे। मैं पहले बाकी की रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं, बाकी के कोएफिशिएंट लगा देता हूं। 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन में तो 6 CO2, 12 हाइड्रोजन के एटम है मींस 6H2O। अब मैं ऑक्सीजन की करता हूं, इधर है 6 × 2 = 12 + 6 = 18। मैं इधर 9O2 डाल देता हूं। इस रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी है उसे मैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कहूंगा। अब मैं अप्लाई करूंगा हेस लॉ। व्हाट डू हेस लॉ सेज? हेस लॉ सेज दैट रिएक्शंस मे बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड अल्जेब्रिकली इन एनी मैनर, सो डू इज द एंथैल्पी। रिएक्शंस को आप किसी भी तरह से एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो और जिस तरह से आप रिएक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो बिल्कुल उसी तरह से आप एंथैल्पीज को भी ट्रीट करो। अब माय एम इज किसी तरह से इन रिएक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करूं और जो डिजायर्ड रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, इस रिएक्शन को बनाने की, इस रिएक्शन को ऑब्टेन करने की कोशिश करो। क्या आप मुझे बताएंगे मैं कर सकता हूं? मैं इन रिएक्शन को कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करूं जिससे कि मुझे हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन मिल जाए, पहली रिएक्शन जो मुझे चाहिए वह मिल जाए। साइक्लोहेक्सेन बेंजीन रिएक्टेंट साइड है, फर्स्ट रिएक्शन ऐसी की ऐसी लूंगा, 3 हाइड्रोजन मुझे चाहिए, सेकेंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और साइक्लोहेक्सेन मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए माइनस थर्ड रिएक्शन करूंगा। यदि मैं यह ऑपरेशन करूं, फर्स्ट रिएक्शन प्लस 3 टाइम्स सेकेंड रिएक्शन माइनस थर्ड रिएक्शन, तो आप देखिए मुझे डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी और सारे अनडिजायर्ड
कंपाउंड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन कैंसिल आउट होएगा, कैसे होएगा, ऑक्सीजन कैसे कैंसिल होता हो दिख रहा है, 15/2 O2 3×2 तो इधर 3/2 हो जाएगा, 15/2 + 3/2 ये हुआ 9 - 9 O2 ऑक्सीजन पूरा आपको कैंसिल होता हुआ दिखेगा, करके देखिए 15/2 फर्स्ट रिएक्शन से 15/2 O2 प्लस सेकेंड रिएक्शन से 1/2 O2 मगर 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ है तो 3/2 O2 15/2 + 3/2 18/2 मीन्स 9 O2 और थर्ड रिएक्शन को माइनस करा तो 9 O2 इधर माइनस हो गया कैंसिल हो गया। देखिए जरा क्या कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड आई नहीं रहा है माइनस थर्ड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन माइनस थर्ड रिएक्शन जब करेंगे तो 6CO2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जरा H2O का देखिए, फर्स्ट रिएक्शन प्लस 3 times सेकेंड रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन में 3H2O आए, सेकेंड रिएक्शन में और 3H2O आ गए तो 6H2O हो गए, 6H2O माइनस थर्ड रिएक्शन जब कर रहे हैं तो इसमें माइनस 6H2O तो H2O भी कैंसिल हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी सारे कैंसिल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड भी सारे कैंसिल्ड, H2O भी सारे कैंसिल्ड। अब बचे क्या, जरा देखिए यह बेंजीन बचा C6H6 लिक्विड स्टेट में प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में और माइनस साइक्लोहेक्सेन, तो वो माइनस साइक्लोहेक्सेन एरो के इस तरफ जाकर C6H12 लिक्विड स्टेट। इस तरीके से जब हमने रिएक्शंस को ऑपरेट करा तो हमें यह रिएक्शन मिल गई, डिजायर्ड रिएक्शन मिल गई। अब हम कहते हैं Hess law says that the enthalpy of this reaction would be enthalpy of first reaction. Yeah, enthalpy of first reaction, enthalpy of combustion of benzene plus 3 times enthalpy of second reaction means 3 times enthalpy of combustion of hydrogen minus enthalpy of combustion of cyclohexane. Hess law से अब हम यहां लिख देंगे, means enthalpy of reaction is summation of enthalpy of combustion of this are the reactant, enthalpy of combustion of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product. Ultimately तो आपको यहां final चीज हमेशा के लिए memorize करनी होगी, किसी भी reaction की enthalpy summation of enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product आया यह इस तरह से Hess law से है, इट्स एप्लीकेशन ऑफ Hess law. इनफैक्ट Hess law पर बेस्ड आज मैं ढेर सारे असाइनमेंट देने वाला हूं, आज जो मैं करा रहा हूं इसके बेसिस पर काफी सारे असाइनमेंट आपको स्टडी पैकेज में से दूंगा। अब as I told you एंथाल्पी, हाँ प्लीज, जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा इस तरह से रिएक्शंस को ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना,
और एक डिजायर्ड रिएक्शन को ऑब्टेन करने की कोशिश करना, फिर इन सभी को कैंसिल आउट होते हुए देखना, फिर जिस तरह से आपने रिएक्शंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट करा है बिल्कुल उसी तरह से एंथैल्पीज को भी ऐड और सब्सट्रैक्ट करना, ये सब चीजें जब प्रॉब्लम्स करते हैं तो मजा आने लगता है करने में, यू विल एंजॉय डूइंग इट। अब एस आई टोल्ड यू कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन थर्मोकेमिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसका लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली डिटरमिनेशन करा जा सकता है। मैं उसी बात को अब समझाऊंगा, हाउ वी प्रैक्टिकली डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट्स डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ एपरेटस कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर। मैं बॉम कैलोरीमीटर के बारे में बताऊंगा। और बॉम कैलोरीमीटर भी स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसेप्ट रिकॉल कराता हूं, टेंथ क्लास में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सुन रखा है, द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। वी जनरली डिनोटेड बाय एस, स्पेसिफिक हीट वी डिनोटेड बाय एस। देखिए, यदि मुझे किसी बॉडी को गर्म करना है, उसको हीट करना है, देन आई नीड टू पुट सम एनर्जी इनटू इट, आई नीड टू पुट सम हीट इनटू इट इन ऑर्डर टू रेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आई नीड टू पुट सम हीट इनटू इट। Now, specific heat is defined as the heat required to raise 1 degree centigrade for 1 gram of mass. It's heat required to raise 1 degree centigrade for 1 gram of mass. 1 gram mass ka 1 degree centigrade se temperature increase karne ke liye aapko jo heat ki avashyakta hoti hai, that is termed as specific heat. For example, for water specific heat is 1 calories or 4.184 joules. For water, the specific heat is 1 calorie per gram per degree centigrade or 4.184 joules per gram per degree centigrade. We mean to say, if we take 1 gram of water, and if we try to raise, or if we intend to raise its a temperature by 1 degree centigrade, then we need to put 1 calories of heat into it, we need to add 4.184 joules of heat into it. 1 gram mass ka yadi water liya jaye, 1 gram of water if we take,
और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करें तो हमको इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी। हम कहते हैं इफ एम इज मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा टी इज राइज इन टेम्परेचर, देन हीट रिक्वायर्ड टू रेस दिस टेम्परेचर इज गिवन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो इतनी हीट वहां से निकल जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट के साथ साथ, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक नई टर्म हम डिफाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी इज नाउ इट कैन बी डिफाइंड फॉर एनी अमाउंट ऑफ मास। स्पेसिफिक हीट हमने 1 ग्राम मास के लिए डिफाइन करी थी, हीट कैपेसिटी किसी भी मास के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इट्स रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature by 1 degree centigrade। हम heat capacity किसके लिए किसी के लिए भी define कर सकते हैं। For example, I can define heat capacity for my body। मैं कहता हूं my heat capacity is 70 kilocalories। My heat capacity is 70 kilocalories, इसका मतलब if I add 70 kilocalories of energy into my body and if that heat is not released anywhere, in that case that 70 kilocalories of heat would increase my temperature by 1 degree centigrade. If my heat capacity is 70 kilocalorie, in that case, in order to increase the temperature by 1 degree centigrade of my body, I would need to add 70 kilocalories of heat. We used to say heat capacity is mass into specific heat, delta Q is heat capacity into delta T. मैंने यह दोनों टर्म्स इसलिए डिफाइन करी है बिकॉज फॉर एनी कैलोरीमीटर वी मे कंसेप्चुलाइज हीट कैपेसिटी, वी मे ऑल्सो कंसेप्चुलाइज हीट कैपेसिटी। किसी भी कैलोरीमीटर डिवाइस के लिए, किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए हम स्पेसिफिक हीट भी डिफाइन कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस चॉक, इस स्टॉक के लिए मैं स्पेसिफिक हीट भी डिफाइन कर सकता हूं। वो स्पेसिफिक हीट क्या होगी कि इस स्टॉक का 1 ग्राम मास लिया जाए, उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करा जाए, उस 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जो हीट लगेगी दैट वुड बी स्पेसिफिक हीट। यदि इस स्टॉक का मुझे टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना है,
If I wish to increase the temperature of stock by delta T, the amount of heat required would be ms delta T. M is the mass of the chalk, S is the specific heat of the chalk, and delta T is the temperature increase. जो भी टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, S की जगह स्पेसिफिक हीट सब्स्टिट्यूट करूं और M की जगह मास सब्स्टिट्यूट करूं. इस तरह से मुझको हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द चॉक आ जाएगा. इसी तरह से इस चॉक के लिए न केवल मैं स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर सकता हूं, एक दूसरा कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई खास फर्क नहीं है. इट्स हीट कैपेसिटी. मैं इस चॉक की हीट कैपेसिटी डिफाइन कर सकता हूं. द हीट कैपेसिटी ऑफ चॉक इज हीट रिक्वायर्ड टू रेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. इस चॉक का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने के लिए मुझे जो हीट चाहिए होगी, दैट इज टर्म्ड एज हीट कैपेसिटी. दैट हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एम इंटू एस, मास ऑफ चॉक इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ चॉक. दिस इज द हीट कैपेसिटी. नाउ वी यूज टू से डेल्टा क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा क्यू. इफ वी विश टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, देन वी नीड टू एड डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट डेल्टा क्यू इज हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा. दिस कंसेप्ट कैन ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर एनी कैलोरीमीटर डिवाइस. अब देखिए, इन दोनों कंसेप्ट को डिफाइन करने के बाद मैं बॉम कैलोरीमीटर इस सेटअप को समझाता हूं.